हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जो बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट के लिए फिक्स है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि फिक्स डिपॉजिट हम क्यों करेंगे शेयर मार्केट में। मेरा कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट सब लोगों के लिए है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि गूगल, ठीक है, जो छोटे लोग हैं वो भी यूज़ करते हैं, जो बड़े से बड़े लोग हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो उसी तरह मार्केट में जो छोटे इन्वेस्टर हैं जिनके पास कम से कम पैसा है वो भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, और जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे स्टॉक बताने वाला हूँ जो दोस्तों बेस्ट है। क्या है? फिक्स डिपॉजिट के लिए बेस्ट है, क्योंकि आप अपने बच्चे को गिफ्ट दे सकते हो स्टॉक के रूप में। हो सकता है कि वो लाइफ चेंजिंग भी हो। अब बोलेंगे कि यार स्टॉक मार्केट में तो रिस्क होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में जितना रिस्क होता है उससे डबल रिस्क होता है फिक्स डिपॉजिट करवाने में। दोस्तों फिक्स डिपॉजिट आप बैंक में करवाते हो वो डबल रिस्क होता है, और जितना मान लीजिए कि ये स्टॉक मार्केट में 50% रिस्क है, ठीक है, लेकिन अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हो तो आपका 100% रिस्क है। अब बोलोगे कि ऐसा कैसे है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, कहीं पर भी अगर आप पैसा लगा रहे हो रिस्क के बिना नहीं होता। आप अगर बैंक में पैसा लगाते हो तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों? आपको केवल मिल सकता है मान लीजिए 6% के आसपास, ठीक है दोस्तों, 6% के आसपास मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ लगाते हो, मान लीजिए कि आप शेयर मार्केट में लगाते हो, तो हो सकता है कि आपको 10% मिल जाए कम से कम, ज़्यादा ज़्यादा तो आपको 100% में मिल सकता है। लेकिन अब बैंक में आते हैं तो दोस्तों बैंक में क्या होगा, अगर बैंकरप्सी हो गया, ठीक है, तो आपका जितना भी पैसा था, आपने लाखों रुपया किया था, मान लीजिए 6 लाख या 8 लाख रुपीज़ आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया था, तो सब गया। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट क्रैश भी होता है, तो आपने मान लीजिए 6 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया था, तो हो सकता है कि आपका 3 लाख रुपीज़ बच जाए। ऐसा होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, रिस्क हर जगह होता है, जहाँ ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ ज़्यादा रिवॉर्ड होता है। तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो फिक्स डिपॉजिट के रूप में देख सकते हो दोस्तों। ऐसे 10 स्टॉक वो फिक्स डिपॉजिट के रूप में है जो आपने बच्चों को आप गिफ्ट दे सकते हो, वो बहुत अच्छे, मतलब जो निफ्टी को चलाने वाले स्टॉक हैं उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। क्योंकि देखिए फिक्स डिपॉजिट होता क्या है, सब सोचते हैं कि मान लीजिए कि मुझे थोड़ा सा पैसा मिला, फिर मैं उसको बढ़ाऊंगा, फिर मैं उसको बढ़ाऊंगा, फिर मैं उसको बढ़ाऊंगा, फिर मैं उसको बढ़ाऊंगा, फिर मैं उसको धीरे धीरे क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। लेकिन शेयर मार्केट में भी वैसा ही होता है, ठीक है। आप देखोगे दोस्तों कहीं भी जाके देख लो मार्केट में, आप कहीं मार्केट बाहर जाओगे, सब्जी मंडी या किसी भी मार्केट में चले जाओ, आपको दोस्तों वहाँ पर देखिए 10% जो है हर एक चीज़ का प्राइस, हर एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बैंक आपको कितना देता है? केवल 6% या 5%। लेकिन आप अगर हिसाब से देखोगे तो आपको दोस्तों 4%, ठीक है, या 5% आप लॉस में ही हो। क्योंकि दोस्तों दुनिया आगे चल चुकी होती है, और उसी तरह अगर आप शेयर मार्केट में आते हो तो आपका पैसा जो है जल्दी 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 ग्रो भी होता है, और अच्छा से अच्छा भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आज ऐसे स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसे स्टॉक बताने जा रहा हूँ जो निफ्टी में रहते हैं और बहुत बड़े हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर ये कुछ कंपनी जो मैं आपको 10 कंपनी के आसपास बता रहा हूँ दोस्तों, ये निफ्टी को चलाने वाली कंपनी है, क्योंकि दोस्तों ये 40% को कवर करता है निफ्टी को, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो और 40 स्टॉक बचे हैं वो 60% को कवर करते हैं निफ्टी को, ठीक है। तो मैं आपको जो स्टॉक बता रहा हूँ वो बेस्ट बता रहा हूँ। सबसे पहला अगर स्टॉक का नाम ले लिया जाए तो आप भी बोल सकते हो कि बेस्ट है। कौन सा है दोस्तों? रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। वो है रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया का नंबर 1 कंपनी। 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आप सोच सकते हो 8 लाख करोड़ कितना होता है। और एक कंपनी दोस्तों डिपेंडेबल नहीं है, मतलब कि ये दोस्तों कंपनी आपके भरोसे लायक भी है, ठीक है, कल को अगर कुछ होता है तो, ठीक है। मैंने कैसे कैसे कंपनी को यहां पर इंक्लूड किया दिखा देता हूं। रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों, इन्फोसिस, देखिए इन्फोसिस कंपनी, TCS, टाटा कंसल्टेंसी, ICICI बैंक, कोटक, लार्सन एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये जितने भी हैं सब टॉप में से मैं आपके लिए लाया हूं। और इसका जो रिटर्न है दोस्तों आप देखिए, ठीक है, ये डेली का है। यहां पर जो आपको नुकसान दिखा रहा है इसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि ये डेली का है, ठीक है, डेली का, और ये वीकली का है। डेली और वीकली हमें नहीं करना। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। आप बैंक में जब पैसा डालते हो तो क्या 1-2 दिन के लिए डालते हो? नहीं, आप जब भी पैसा डालते हो तो क्या 1 साल के लिए पैसा डालते हो? उसी तरह ये जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, रिस्क हर जगह होता है, और जहाँ जितना आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे किसी भी चीज़ में तो मुश्किल होता है वहाँ पर कोई भी काम करना, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं कि शेयर मार्केट में रिस्क नहीं है, यहाँ पर भी रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही है, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, 1 मंथ का डेटा दिखाता हूँ, ठीक है। ये 1 मंथ है, ईयर टिल डेट, हम कहाँ तक की बात करेंगे दोस्तों? हम 1 ईयर की बात करेंगे, ठीक है। 1 साल के अंदर ये देखिए सारे जो स्टॉक हैं आपको फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न दिया, ठीक है। सबसे पहले कौन सा स्टॉक था दोस्तों? रिलायंस, 56% का रिटर्न दिया है।
56, हमें चाहिए कितना था भाई, हमें तो बस 6% चाहिए था, ठीक है। ये बैंक का रिटर्न है, मान लेते हैं 6% से अगर हम शेयर मार्केट में आए तो हम कितना ज़्यादा ज़्यादा हम कितना एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, अगर हम ज़्यादा ज़्यादा भी एक्सपेक्टेशन कर सकते तो मान लीजिए 10% 15% औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम फिक्स डिपॉजिट की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हमें मान लीजिए कि यहाँ 56% मिल रहा है और हमें चाहिए कितना था, हमें चाहिए था केवल 10%, और मान लीजिए यहाँ अगर हमें 15% भी मिल रहा है तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो सोचिए, आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और फिक्स डिपॉजिट के तौर पर आप अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो कम से कम जो आपको रिटर्न मिला है दोस्तों, तो वो है 2% का रिटर्न मिला, ठीक है। और ये वो कंपनी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो टॉप है, टॉप में मतलब ये अगर कंपनी नहीं आए तो निफ्टी पूरा क्रैश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रैश होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है दोस्तों टॉप कंपनी में आ रहा है, ठीक है। तो पहला कंपनी आपको 56 दिया और दूसरा जो दिया 10% के आसपास दिया, अगर फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से देखें तो वो भी सही था। अगर तीसरी कंपनी की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये भी कितना है, 2.80 मतलब 3% के आसपास, चलिए जो भी है अगर हिसाब से देखें तो भाई कोई गलत नहीं है, 3% में भी गलत नहीं है। वैसे भी हमें बैंक में से 7% मिल जाता, 6% मिल जाता, तो कौन सा बड़ी तीर मार लेते हम, उसके वो अगर थोड़ा सा रिस्क लेते तो हमें 56% का भी तो रिटर्न मिलता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 60% का रिटर्न है, 13% का रिटर्न है, 71% का रिटर्न है, 13%, 19%, 17%। तो ये जो था ये ईयर टिल डेट मतलब एक साल की डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं 3 साल के ऊपर, ठीक है दोस्तों, 3 साल के ऊपर, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं भाई जो 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं और सोचते हैं कि भाई मेरा पैसा डबल हो जाएगा, है कि नहीं, आप करते हो ना ऐसे, डबल हो जाएगा पैसा। उसी तरह अगर आप यहाँ केवल 3 साल के लिए भी फिक्स डिपॉजिट करते हो, ये मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, डेटा, ठीक है, जो ओल्ड डेटा है उसके बेस पर मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, उतना ही। तो रिलायंस सबसे फर्स्ट में कौन सा कंपनी था, रिलायंस ने 198 आपका पैसा तीन गुना कर दिया, यहाँ पर जो आपका कैपिटल था वो, और उसके बाद दो गुना और कर दिया, मतलब कि 200% का रिटर्न दिया। जहाँ आप 3 साल के अंदर अगर आप बैंक में जाते हैं तो 3 साल के अंदर आप कितना कर सकते थे, ज़्यादा ज़्यादा 21% का रिटर्न आपको मिल सकता था, या मान लेते हैं भाई जाओ ज़्यादा ज़्यादा आप 13% का रिटर्न आप गेन कर लोगे, ठीक है। लेकिन ये 198 पैसा आपका 3 गुना हो गया, सोचिए। तो जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ज़्यादा रिवॉर्ड भी है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप बोलता हूँ, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस टाइम में ये वीडियो बनाने का पर्पस भी है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका है, मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका है, और ये जितने भी शेयर्स हैं, ये जितने भी स्टॉक हैं, आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहे हैं। अभी रिलायंस ही देख लो, रिलायंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो रिलायंस दोस्तों 50% गिर चुका था, ठीक है। रिलायंस क्या हुआ था दोस्तों, 50% गिर चुका था, 50% गिर चुका था। ऊपर से दोस्तों ये कंपनी आपको थोड़ा बहुत अगर डिविडेंड दे दिए तो वो अलग से आपको मिलेगा, रिटर्न देगा वो अलग से आपको मिलेगा, बोनस दे दिया तो वो अलग से आपको मिलेगा। सोचिए, बोनस दिया तो डबल पे डबल, डिविडेंड दिया तो हो सकता है 10 का आपको जो फिक्स डिपॉजिट का आपको मिलता है वो इधर ही आपको डिविडेंड के रूप में भी दे सकता है, ठीक है। तो एचडीएफसी के फर्स्ट में रिलायंस था, एचडीएफसी था, हाउसिंग डेवलपमेंट था, इंफोसिस, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ टॉप टॉप कंपनी है। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, देखिए रिस्क तो हर जगह है। अगर मान लीजिए अभी यस बैंक, ठीक है, आपने सब लोगों ने सुना है यस बैंक का नाम, बिल्कुल आपने सुना होगा, ठीक है भाई, बैंक था, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी, ठीक है। तो आपने यस बैंक के बारे में सुना है, आपने ये भी सुना होगा कि यस बैंक के जहाँ पर भी, यहाँ बड़े बड़े जहाँ पर भी उनके ऑर्गेनाइजेशन थे या जो भी एटीएम में, बहुत सारे लोग लाइन लाइन से भीड़ लगा के खड़े थे, मतलब पूरा पूरा, क्यों, क्योंकि दोस्तों सब वहाँ पर अपने पैसे निकालने के लिए खड़ा थे, इसलिए ताकि उनका पैसा डूब ना जाए। लेकिन अगर यस बैंक जाता सोचिए कितने लोगों का नुकसान हो जाता, और गवर्नमेंट ने वहाँ पर बैन भी लगा दिया था कि 50,000 से कोई ज़्यादा नहीं निकाल सकता। हालांकि आपने 1 करोड़ भी अगर, 1 करोड़ भी अगर आपने डाला है, ठीक है, 1 करोड़ भी अगर आपने डाला है तो आपको केवल मिलेगा 50,000। आपने अगर 1 करोड़ का बात छोड़िए, अगर आपने 10 करोड़ रुपया भी डाला है तो आपको मिलेगा कितना, 50,000। आपने अगर मान लीजिए अरबों खरबों रुपया डाला है, ठीक है, अरबों खरबों जितना भी आपने डाला है, बोरी भर भर के मिलेगा कितना आपको, 50,000, वो भी एक महीने के, ठीक है, हर एक महीने में आपको 50,000 मिलता रहेगा। अब सोचिए, ये बताइए, अगर मान लीजिए आपने मार्केट में 1 लाख रुपया लगाया होता,
ठीक है, और आपका 20,000 लॉस में चला जाता, 20,000 लॉस में चला जाता, फिर भी आपको 80,000 रुपीज़ तो मिल जाता, 80,000 रुपीज़ तो मिल जाता। आपकी मर्ज़ी, आप कभी भी निकाल सकते हो, आप कभी भी निकाल सकते हो। सोचिए आपका मन करेगा कि भाई अगर मान लीजिए आपको 5,000 लॉस है निकालना चाहते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत सारे पहले भी अगर ऐसे बैंक के मामले में आए हैं जहाँ पर अगर बैंक डूबती है तो आपको वहाँ पर साफ साफ बोल दिया जाता है कि आपको ज़्यादा 1 लाख रुपये के आसपास मिल सकता है दोस्तों, ज़्यादा नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ऐसे हैं, और गवर्नमेंट अपना रूल भी चेंज करते रहती है, कभी 1 लाख कभी 1 करोड़ ऐसे करके। तो सोचिए जो लोग ये पर्पस से गए थे कि हमारा फिक्स डिपॉजिट सेफ है, उनको क्या झटका लगेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे थे, क्वेश्चन अराइज कर रहे थे कि जब शेयर मार्केट में डालो तो भी रिस्क है, अगर म्यूचुअल फंड में डालो तो भी रिस्क है, घर में पैसा रखो तो भी रिस्क है, और बैंक में रखो भाई तो भी रिस्क है। तो जाया कहाँ जाए, कहीं भी जाना नहीं है, अपने आप को सही तरीके से ट्रीट करना है दोस्तों, जहाँ पर आपका पैसा बने। ठीक है, क्योंकि आगे आपकी मर्जी। अगर आपको वीडियो सही लगा, आपको लगता है कि शेयर मार्केट में थोड़ा अगर पैसा बनता भी है तो जाता भी है, ठीक है, दोनों साइड से रिस्क एंड रिवॉर्ड है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहे जो भी आपसे अच्छे लोग हों उनसे डिस्कस करो। और हाँ, एक चीज़ और बोलता हूँ, अगर मार्केट में आए हो तो ट्रेड मत करना भाई, चाहे इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, कुछ नहीं। मैंने आपको क्या सिखाया इस वीडियो में, FD फिक्स डिपॉजिट, ज़्यादा लालच में आके अगर आ जाओगे ज़्यादा लालच में तो आप अपना पैसे को गवा दोगे। ठीक है, FD करना, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशनल लगा, तो आप लाइक करके इंक्रीज कर सकते हो, आप उनको शेयर कर सकते हो जिनको ज़रूरत है। ठीक है, बाकी रहने दीजिए, आपने देख लिया काम खत्म हो जाएगा।